Hello everyone. We are all aware that RateGain IPO opens on December 7th. RateGain Travel Technologies एक software as a service company है जो कि travel और hospitality sector को technology solutions provide करती है. और आज हमारे साथ है RateGain Technologies के founder Mr. Bhanu Chopra. Welcome to the show, Bhanu. Thank you, Piyush. Thanks for having me. First and foremost, आपको और आपकी पूरी team को congratulations on going public. आगे बढ़ने से पहले हमें बताएं अबाउट व्हाट RateGain डज एंड हाउ डज इट बेनिफिट द ट्रैवल इंडस्ट्री. सो पीयूष, जैसे कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया, हमारे कस्टमर जो हैं, आपको बहुत खुशी होगी जान के द टॉप 25 आउट ऑफ द टॉप 30 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, जैसे कि बुकिंग एंड एक्सपीडिया, द टॉप 23 आउट ऑफ 30 होटल चेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल ओयो भी हमारा कस्टमर है, ऑल द लीडिंग कार रेंटल कंपनीज, all the leading cruise liners, tour operators, तो हमारे customers 1400 से ऊपर हैं. और आप जो भी आपने अगर travel किया है तो आपका जो भी large service provider से अगर interaction या service मिली होगी वो most likely is powered by RateGain. तो हम क्या करते हैं travel और hospitality में, बेसिकली हमारा एक platform है जिसे हम कहते हैं RevMax platform. उस platform के basis पे हमारे जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया होटल्स और कार रेंटल कंपनीज, ये गेस्ट एक्वायर कर सकते हैं, उन्हें रिटेन कर सकते हैं और उनका वॉलेट शेयर एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो जैसे कि हमारी फाइलिंग में भी बताया गया है कि हमारे 3 डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं जो ये अकम्पलिश करती हैं. एक है मार्टेक, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है डेटा एज अ सर्विस. तो मैं आपको इन तीनों बिजनेस लाइंस के बारे में बताना चाहूंगा. जो मार्टेक का हमारा बिजनेस है, ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम 3 चीजें करते हैं. नंबर 1, हम होटल्स को हेल्प करते हैं कि वो अक्वायर गेस्ट कैसे करें थ्रू डिजिटल मार्केटिंग मीन्स, जैसे कि जो सोशल चैनल्स हैं उनमें कैंपेन्स रन करना, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक. दूसरा, हम जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल एडवर्ड्स, उस पर हेल्प करते हैं होटल को मार्केट करना. और तीसरा, ट्रैवल इंडस्ट्री में आपने भी एक्सपीरियंस करी होंगी प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, हम वहां भी मार्केट करते हैं. तो हम एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे हम होटल के लिए गेस्ट अक्वायर कर सकें थ्रू ऑल दीज डिफरेंट चैनल्स. दूसरी चीज जो हम करते हैं, हम ब्रांड इंगेजमेंट करते हैं, क्योंकि जो आजकल के मिलेनियल है वो सोशल चैनल्स को बहुत यूज करते हैं. और जैसे कि पीयूष, अगर आप किसी होटल में गए और आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं जा रहा, आप उसके बारे में ट्वीट करते हैं या फेसबुक में लिखते हैं या इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट करते हैं, तो हम होटल के बिहाफ पे इंगेज करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उन ट्वीट्स पे और उन पोस्ट पे, सो दैट द ब्रांड इंटेग्रिटी डज नॉट गेट डाइल्यूटेड. जो तीसरी चीज हम करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हम जो गेस्ट हैं उनका एक सोशल डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं, बेसिस विच हम उनका एक सोशल प्रोफाइल बनाते हैं, सच दैट द होटल्स कैन पर्सनलाइज द सर्विस. तो जैसे कि हम पता चलता है पीयूष के इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट जाके देख के कि पीयूष को योगा बहुत पसंद है, तो जब पीयूष होटल में जाएगा तो ही विल फाइंड दैट देयर इज अ योगा मैट प्लेस्ड इन हिज रूम. सो ये एडवाइस हम होटल्स को देते हैं सो दैट दे कैन पर्सनलाइज द सर्विस. जो दूसरा हमारा बिजनेस लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें हम बेसिकली जो होटल का सिस्टम है उसको हम उनके जो थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं, जो ये ओटीएज हैं जैसे कि एक्सपीडिया, बुकिंग और मेक माई ट्रिप, उनको कनेक्ट करते हैं. तो आई विल टेक एन एग्जांपल पीयूष, जैसे कि अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं और आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, आपको देखना है होटल कैसा है, उसके रेट्स क्या हैं, उनकी डिफरेंट रूम टाइप्स क्या हैं, तो ये जो रियल टाइम रेट्स और अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली इन ओटीएस में आती है और ये पावर्ड है RateGain के थ्रू. और अगर आप जैसे किसी को किसी होटल की बुकिंग करते हैं तो आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने किन डेट्स के लिए बुक करा है, आपके साथ और कौन लोग हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट इज पावर्ड थ्रू RateGain टू टेक फ्रॉम द ओटीएस सिस्टम बैक इन टू द होटल सिस्टम. तो आप इसके बारे में ऐसे सोचें कि एक पाइप है जो होटल को ओटीए के साथ कनेक्ट करती है, और ये जो पाइप है ये टेक्नोलॉजी पाइप है, इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड, इट्स अ टू वे पाइप पावर्ड बाय RateGain. जो हमारा तीसरा बिजनेस है वो डेटा एज अ सर्विस बिजनेस है. इसमें हम अपने
कस्टमर्स को उनकी कंपटीशन के बारे में बताते हैं, स्पेसिफिकली उनके कंपेटिटर्स क्या प्राइसिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक जो नॉर्मल एक ट्रैवलर और कंज्यूमर है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके सारे रेट्स को कंपेयर करता है बिफोर बुकिंग, तो हम ये इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को बताते हैं सो दैट दे नो वेयर दे लाई इन द कंपेटिटिव लैंडस्केप एंड बेसिस व्हिच दे कैन एडजस्ट देयर प्राइसिंग। तो ये हम OTAs के लिए करते हैं, कार रेंटल कंपनीज के लिए करते हैं, होटल्स के लिए करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीयूष हम जो हैं ये रेट जो इंफॉर्मेशन है एज पर Focusrite व्हिच इज अ बिग रिसर्च फर्म एंड ऑनलाइन ट्रैवल, हम लार्जेस्ट एग्रीगेटर है ऑफ प्राइसिंग डेटा इन द वर्ल्ड। और इसके बेसिस पे हमने लास्ट ईयर में 3 नए और प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारे ये डिफरेंट बिजनेस लाइंस में आते हैं। तो मैं 2 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए RevAI और DemandAI को। तो DemandAI हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कस्टमर को ये बताता है कि उनकी सिटी में डिमांड क्या है। जैसे अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में जितने भी होटल्स और ट्रैवल बिजनेसेस हैं हम उनको ये बताएंगे कि 15 और 20 तारीख को ट्रैवल डिमांड बहुत ज्यादा है, तो बेसिस दैट होटल्स अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं अगर उनको पता है कि डिमांड ज्यादा है। आई नो आपके ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आएगी कि हम जो प्राइसिंग बढ़ जाती है एकदम से, वी आर द गाइज बिहाइंड इट। तो और ये भी हम ये बताते हैं कि ये जो डिमांड है ये कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिमांड। अगर वो डोमेस्टिक है दिल्ली से आ रही है 20% बैंगलोर से आ रही है, 30% चेन्नई से आ रही है और बाकी इंटरनेशनली। तो इस बेसिस पे जो हमारा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है वो उन कस्टमर्स को टारगेट कर सकता है। एंड देन वी ऑल्सो बेसिस द डिमांड AI प्रोडक्ट ऑल्सो लॉन्च्ड What we call RevAI, ये एकदम जो Uber और Ola में आपने एक्सपीरियंस करा होगा सर्च प्राइसिंग, बेसिकली जब डिमांड ज़्यादा होती है और कार्स इतनी नहीं होती तो वो प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, तो वो हम कैपेबिलिटी ये सर्च प्राइसिंग की कैपेबिलिटी हमने RevAI के थ्रू लॉन्च किया है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ट्रैवल में हैं जो स्टैटिक प्राइसिंग यूज करती हैं और या मैनुअली प्राइसिंग डिसाइड होती है, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, कार रेंटल कंपनीज के लिए किया, हॉलीडे पार्क्स के लिए जो बहुत पॉपुलर हो गई है यूरोप में, और तीसरा फेरी कंपनीज के लिए। एंड वी आर सीइंग वेरी वेरी गुड ट्रैक्शन फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करा है और मेरा गोल है कि वी बिकम द टेस्ला ऑफ आर इंडस्ट्री एंड यू नो वी एज वी सॉर्ट ऑफ कम आउट ऑफ दिस पैंडमिक माय गोल इज कि हम वी आर वेल पोजिशन एज अ कंपनी टू कैप्चर ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। या आई मीन भानु देयर आर सम इंटरेस्टिंग बंच ऑफ थिंग्स RateGain इज डूइंग एंड यू नो दैट लीड्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज यू नो RateGain इज द फर्स्ट SaaS-based or service as a software as a service company to tap into the primary markets. Could you please explain to our investors how your business differs from that of an IT company? Yeah, sure. So, Piyush, IT services mein kya hota hai ki usually these are big companies or in big companies mein ek agar koi need aati hai business need, to jo business user hota hai he goes to the IT department and lays out what his needs are, right? So let's say there is, given the example I gave about having a digital marketing platform. So let's say a big company decides to have a digital marketing platform, they will define ki unki kya requirements and they go to the IT department. IT department using understanding the business requirements will build out a spec on how they want this platform to look like. And then they would either build this in-house and in most cases also augment their in-house teams by having an IT services company jo us specification pe unke liye wo platform banayengi. So in IT services, it's usually the business user dealing with the IT department dealing with an IT services company to build that platform. So it's a custom project and it's back office work that happens. In RateGain's case, in SaaS company's case, we deal with the end business customer user directly. So we do not usually go through an IT department. So jaise ki maine bataya, hamara ek ye digital marketing platform hai, to hum
जो मार्केटियर है होटल में या जो डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है उससे डायरेक्टली डील करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक बेस प्रोडक्ट होता है जो सिमिलर होता है सबके लिए, इट इज नॉट कस्टम टू एनीबॉडी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस हैज अ लॉट मोर. द रीजन यू नो अ SaaS बिजनेस मॉडल इज फार सुपीरियर इज द अबिलिटी टू स्केल इट, क्योंकि अगर हमने ये प्लेटफॉर्म बना दिया ये कोई भी कस्टमर हमारा यूज कर सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर RateGain, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ओवर 100 कंट्रीज में हैं और हम इंडिया में बैठे ये सॉफ्टवेयर बना के ये बेच पा रहे हैं बहुत सारे लोगों को. सो अदर बिग डिफरेंसेस कि हम इसमें बिकॉज क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडस्ट्री में नीड्स क्या हैं, तो दी IP इज कंट्रोल्ड बाय अस, एंड इन केस ऑफ IT सर्विसेज यू नो दी IP इज कंट्रोल्ड बाय द कस्टमर, और क्योंकि ये बिजनेस जो है ये इट इज नॉट सो रिलायंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि आप समझ सकते हैं आपके पास 10 कस्टमर आए IT सर्विसेज में, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. इन SaaS वंस यू हैव बिल्ड द प्लेटफॉर्म इट इज मोर अबाउट जस्ट यू नो सेलिंग द प्लेटफॉर्म, एंड यू डू नॉट नीड पीपल टू फुलफिल अ कस्टम रिक्वायरमेंट. सो जो ग्रोस मार्जिन होते हैं वो काफी हाई होते हैं, और हमारे बिजनेस में भी ग्रोस मार्जिन काफी हाई हैं, 80% हैं, और बिकॉज ये नॉन IT सर्विसेज में ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है काम, तो इट इज नॉन रिकरिंग. बट SaaS में इट्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, जैसे कि आप आपके ऑडियंस भी सब्सक्राइब करते होंगे नेटफ्लिक्स को और Amazon को, और आप एवरी मंथ पे करते हैं टू वॉच दैट कॉन्टेंट. तो SaaS का बिजनेस मॉडल भी बहुत सिमिलर है, वेयर कस्टमर्स पे यू ऑन अ मंथली और अ ईयरली बेसिस टू यूज योर सॉफ्टवेयर. तो इसकी वजह से ये बिजनेस हाईली रिकरिंग और प्रेडिक्टेबल है. जैसे कि हमारा बिजनेस, मैंने आपको बताया हमारी 3 बिजनेस लाइंस हैं, उन तीनों में हमारा बहुत ही हाईली प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है, 95-90% रिकरिंग रेवेन्यू है. सो इसलिए ये जो मॉडल है इट बिकम्स फार फार सुपीरियर. Yeah, Bhanu, I mean, that was interesting differentiation. And, you know, I mean, let's get on to our next question, where we, you know, everyone knows, you know, COVID-19 or the pandemic has not been kind. And RateGain was impacted during COVID-19. So how much of that is now recovered? And where are you seeing recovery coming from? So, Piyush, as you said, यू नो हम तो फ्रंट और सेंटर ऑफ द स्टॉर्म थे जब ये आया, बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्टेड थी. तो जब फर्स्ट क्वार्टर में देखूँ 2020 का अप्रैल टू जून, हमारा रेवेन्यू काफ़ी इम्पैक्टेड था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही लॉकडाउन्स थे. बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि स्टार्टिंग दिस ईयर वी आर सीइंग वेरी वेरी गुड रिकवरी. और पीयूष, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा रेवेन्यू लार्जली जो है वो बाहर से ही है. 65% हमारा रेवेन्यू US से आता है, 15% यूरोप से, 15% हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, और सिर्फ 5% ही है जो हमारा इंडिया में है रेवेन्यू. तो US में रिकवरी बहुत फास्ट हुई है. आप जैसे कि जानते हैं वहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड अब 70% है और सब कुछ वहाँ पे खुल गया है, तो हमारी रेवेन्यू रिकवरी काफ़ी सॉलिड हुई है US में. ऑल्दो यूरोप में अभी भी क्योंकि लॉकडाउन्स कई कंट्रीज में हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट है, पर मैं ये कहूँगा हमारे तीनों बिजनेस लाइंस में काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल से ज़्यादा आ गए हैं, और जो हमारी ऑर्डर बुक भी है हमारे मार्टेक बिजनेस में इट इज एक्सीडिंग प्री कोविड लेवल. सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि फेयरली सून वी शुड बी गेटिंग क्लोजर टू अ प्री कोविड लेवल रेवेन्यू रेट एज वेल. सो प्री पैंडेमिक यू हैड अक्वायर्ड 2 कंपनीज, विल द प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑल्सो बी यूज्ड टू फंड मोर सच एक्विजिशंस? पीयूष, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमने एक्चुअली 3 एक्विजिशंस किए हैं, और एक रिसेंट एक्विजिशन हमने की है जर्मनी में, ये हमने सितंबर 30th को क्लोज की थी, और ये हमारे मार्टेक बिजनेस में ही है. और जो आपका क्वेश्चन है यूज ऑफ प्रोसीड्स का, तो पीयूष हम वी आर वेरी हंग्री फॉर ग्रोथ. एंड मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर में हमने बहुत डबल डाउन किया है इनोवेशन पे. तो हमने
एडिशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करें हैं, जिसके बारे में मैंने बात भी की है, वे आई कॉन्टेंट ए आई और डिमांड ए आई। इनफैक्ट जो इनोवेशन इंजन है वो अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ही साल में हमने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन यू नो बिल्डिंग आउट मोर प्रोडक्ट्स एंड यू नो लॉन्चिंग दीज ए आई एम एल बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बिकॉज अगर आप हमारी ग्रोथ भी देखें 2018 से 2019 से 2020, जो FY 19 और FY 20 है, it was 50%, north of 50% before COVID, and वो it was a result of us, क्योंकि उससे पहले हम ये largely DAS business line में थे और उसमें हमने उसके बाद ये acquisitions की जिससे हमने ये additional business lines और additional products launch किए। तो prior to 2018 we were only a 2-3 product company, now we are almost at 10-12 and launching additional, because हमारे customers तो सारे बहुत सारे established हैं ही, 1400 customer, तो this will continue to be our strategy, तो proceeds will be used to launch additional products, we are going to invest in our cloud infrastructure and data center, और आपने M&A की बात की, we will continue to look at M&A as a growth option. तो जब हम M&A के बारे में सोचते हैं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि there are 3 considerations we look at. Number one, कि ये जो capability है जिससे जिस company को हम देख रहे हैं, is it a part of our product roadmap. दूसरा हम देखते हैं कि will it get us deeper in certain key markets, क्योंकि ये जो 3 हमने acquisitions की हैं, it brought us very very deep into the markets that we serve. जैसे कि मैंने बोला US में हमारा 65% है, तो it got us much closer to our large chain customers and also made us much much dominant in the areas we operate. तो अगर key territory है Europe या US की, तो हम उनको भी देखेंगे. और number 3, हमारा जो business है वो काफी compared to our competitors काफी रिच है और कॉम्प्रीहेंसिव और डिवर्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी ऑफर. तो हमारे हर प्रोडक्ट में 1 या 2 कंपेटिटर हैं. देयर इज नो इक्विवेलेंट ऑफ रेट गेन, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कंपेटिटर्स आई कॉल देम वन ट्रिक पोनीज. तो हमारा ये भी है अपॉर्चुनिटी कि अगर इफ यू आर एबल टू एक्वायर यू नो सम ऑफ आवर कंपेटिटर्स एंड डोमिनेट इन सम एरियाज, वी वुड कंसिडर दोज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. So that's very interesting, Bhanu. Now, you know, I have a 2-part question for you. One is, obviously, you know, you've spoken about it that, you know, the fallout of pandemic was that digitization has picked up, you know, in a large way. So is this also the case with travel and hospitality, A? And the leading question is, how have you benefited from it? And going forward, how do you plan to cash on it? Yeah, so absolutely, Piyush, we are seeing that trend happen in hospitality. In fact, agar aap ek Harvard Business Review ka article hai, which talks about the digitization of different industries, aur usme unfortunately, hospitality industry jo hai, wo sabse low ranked aati hai. But because of COVID, especially jo bahar ki countries hain, jo jahan market karte hain, Europe aur US mein, what we saw, Piyush, is that a lot of people were let go, because hotels ne apne aap ko, they were shut, right, in the COVID time, and they had furloughed people. So as they opened up, you know, there is, it's also being talked about in India, there's huge, serious labor shortages that are occurring. So as a result of which, there is a need to automate, need to digitize, because there is less manual labor available. एंड सेकेंडली जो जैसे कि मैंने कहा हॉस्पिटल होटल इंडस्ट्री में लॉट ऑफ प्रोसेसेस वर मैनुअली ड्रिवन यू नो हैपनिंग थ्रू एक्सेल. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसको जो हमने एक नीड आइडेंटिफाई की डिजिटाइज करने की. तो क्या हुआ कि आप जैसे कि जानते हैं कोविड में एवरी होटल्स हैड टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटोकॉल्स, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होटल टू कम्युनिकेट कि उनके होटल में क्या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके हेल्थ और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है, तो होटल्स वो इंफॉर्मेशन भी ठीक से अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी. और होटल में क्या नई फैसिलिटीज हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं उसके बारे में भी वो मैनुअली ही बता पा रही थी. और क्योंकि होटल्स जो हैं एक होटल टिपिकली 20 या 25 डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ काम करना है,
करता है तो इट इज बिकम्स अ वेरी वेरी टीडियस एंड लेबोरियस टास्क। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसे हम कहते हैं कॉन्टेंट AI प्लेटफॉर्म। उसके बेसिस पे होटल अपना जो सारा कॉन्टेंट है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वहां पे क्या रेस्टोरेंट्स हैं, क्या इमेनिटीज है, वाईफाई, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है अराउंड द होटल, तो वो सब मैनेज डिजिटली कर सकता है इंस्टेड ऑफ एक्सेल। सेकेंड थिंग, इस प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं हम, आप एक बटन दबा के ये सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली ऑटोमेटिकली अपने सारे पार्टनर्स OTAs को भेज सकते हैं। और तीसरी चीज ये जो करता है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, हम AI ML यूज करके जो क्वालिटी ऑफ द कंटेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें पता है कि वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वी फाइंड आउट कि व्हाट दोज आर एंड वी इम्प्लीमेंट इट एंड अपडेट ऑन द प्लेटफॉर्म। द अदर थिंग वी डू इज वी ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस, क्योंकि जो स्मॉल टू मिड साइज होटल चेन्स होती हैं उनके पास इतने बजट्स नहीं होते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के। तो हम जैसे कि सोशल चैनल्स में भी देखते हैं, दे आर फिल्टर्स यू कैन अप्लाई टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस। तो हम भी वो चीज़ अपनी टेक्नोलॉजी में AI ML के थ्रू क्वालिटी ऑफ इमेजेस को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो दिस प्लेटफॉर्म वी आर सीइंग अ ह्यूज ट्रैक्शन इन। एंड सिमिलरली यू नो, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे वो डिमांड AI और रेव AI प्रोडक्ट्स भी हैं, जहाँ पे मैनुअली प्राइसिंग डिसीजंस होती हैं, उसको भी हमने ऑटोमेट करा है थ्रू दीज न्यू प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच भानु। आई मीन आई होप यू नो इट मेक्स इन्वेस्टर्स टेक इन्फॉर्म डिसीजन आफ्टर हियरिंग योर आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। इट वॉज प्लेजर स्पीकिंग विथ यू एंड यू नो वी विश यू ऑल फ्रॉम अपस्टॉक्स टीम अ वेरी 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 बेस्ट फॉर द IPO। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच पीयूष फॉर हैविंग मी। Brokerage shall not exceed SEBI specified limit. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.